हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम अर्थशास्त्र में चैप्टर दो पढ़ेंगे। जो चैप्टर दो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, चैप्टर दो का क्या नाम है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के में होता क्या है? तो देखिए जिन क्षेत्रों में उत्पादन, उपभोग और निवेश की क्रिया की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। हर देश की अपनी अपनी अलग अर्थव्यवस्था होती है। किसी की अर्थव्यवस्था बड़ी होती है, किसी की छोटी, तो वो किस पे निर्भर करता है? उपभोग, उत्पादन, उपभोग और निवेश पे। जिन जिन क्षेत्रों में उत्पादन, उपभोग और निवेश की क्रिया की जाती है वही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उत्पादन, उपभोग व निवेश पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिन क्षेत्रों में उत्पादन, उपभोग व निवेश की क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अब हम इस अर्थव्यवस्था के चैप्टर में जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है इसमें हम आर्थिक कार्यों के क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। आर्थिक कार्यों के क्षेत्र, आर्थिक कार्यों के क्षेत्र। देखिए हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं, तो क्या देखते हैं आसपास जब हम अपने देखते हैं बहुत सारे लोगों को, तो क्या पाते हैं कि बहुत सारे लोग विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग, हम कुछ लोग दूसरे काम करते हैं, कुछ लोग अन्य काम करते हैं, कुछ लोग, यानी कि सभी लोग, अधिकतर लोग क्या देखते हैं कि विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। अब उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती है, कुछ गतिविधियां क्या करते हैं, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ गतिविधियां सेवाओं का सृजन करती हैं। कुछ क्या करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और कुछ सेवाओं का सृजन करते हैं। तो अब हम इनमें कैसे इसका पता लगा सकते हैं, मतलब कि कैसे इस क्षेत्रों के बारे में जान सकते हैं? तो क्या किया जाता है कि विभिन्न मापदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न वर्गों में बांट दिया गया है। विभिन्न मापदंडों के आधार पर इन कामों को विभिन्न वर्गों में क्या किया गया है? बांट दिया गया है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? क्षेत्र कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? क्षेत्र। यानी कि जो विभिन्न काम है, जो लोग करते हैं विभिन्न कामों को, अब ऐसा तो नहीं कि सभी को एक कैटेगरी में रखेंगे कि उत्पादन करने वाले कार्य, मतलब कि कारखानों वाले कार्य, कृषि से संबंधित कार्य या सेवा से संबंधित काम, इनको अलग अलग कैटेगरी में क्या किया गया है? बांट दिया गया है। यानी कि जो जो काम है उनको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्षेत्र। तो जो भारतीय, भारत में जो क्षेत्र है उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में बांटा गया है? तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन? एक पहला है प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब वर्गीकरण जो किया गया है। दूसरा क्या है? द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र। और जो थर्ड है इसको कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र। थर्ड को क्या नाम दिया गया है? तृतीयक क्षेत्र। तो अब आर्थिक जो कार्यों के क्षेत्र है उसको तीन भागों में बांटा गया, यानी तीन प्रकार के काम देश में होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र किस्म के काम, द्वितीयक क्षेत्र किस्म के काम और तृतीयक क्षेत्र के किस्म के काम। अब देखिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष जो उपभोग होते हैं उस पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पे आधारित अनेक गतिविधियां, जैसे कि कपास की खेती। जैसे मैं पहले में हम क्या कर सकते हैं? कपास की खेती। अब ये क्या है? कपास की खेती। ये जो कपास की खेती है किसमें आती है? प्राथमिक क्षेत्र में आती है, क्योंकि कपास एक कैसा फसल है? कपास एक जो है मौसमी फसल है, और ये मुख्य रूप से इस पे निर्भर करता है। कपास जो मौसमी फसल है वो प्राकृतिक क्रियाओं पे निर्भर करता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कपास जो है वो सूर्य की, मतलब प्रकाश पे निर्भर करता है, और इसके साथ साथ वो जलवायु पे निर्भर करता है और वर्षा पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है?
सूर्य के प्रकाश पे, जलवायु पे और वर्षा पर निर्भर करता है। तो इसलिए इसके उत्पादों को क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक उत्पाद। इसलिए कपास का जो उत्पाद होता है इसे हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक उत्पाद कह सकते हैं। तो जो कपास है वो क्या है, प्राकृतिक उत्पाद है। अब इसी प्रकार से जो डेयरी उत्पादन है, क्या है, डेयरी उत्पादन, इसमें हम इसके पशुओं की जैविक क्रिया, डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक क्रिया और चारा की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। डेयरी उत्पादन में हम किस पर निर्भर करते हैं, पशुओं की जैविक क्रिया और चारा की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। इसलिए जो डेयरी उत्पादन से में जो दूध का उत्पादन होता है वो भी क्या है, दूध का उत्पादन भी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, यानी कि प्राकृतिक उत्पाद में आते हैं। अब जो अयस्क होते हैं या खनिज होते हैं वो भी प्राकृतिक उत्पाद में ही आते हैं। अयस्क या जो जमीन से निकाले जाते हैं वो भी क्या होते हैं, अयस्क या खनिज, वो भी प्राकृतिक उत्पाद ही होते हैं। अब देखिए, जब प्राकृतिक संसाधन, अब इन्हें प्राकृतिक उत्पाद क्यों कहा जाता है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जब हम प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा दी गई उसी को ना प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में वे आते हैं, प्राकृतिक उत्पाद कहलाते हैं या प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अब प्राकृतिक जो प्राथमिक क्षेत्र है इन्हें प्राथमिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे जो उत्पाद होते हैं वो निर्भर करते हैं, यानी कि ये विभिन्न उत्पादों के आधार होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, विभिन्न उत्पादों के आधार होते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित है और वन, क्या कहते हैं, कृषि से संबंधित है, मत्स्य पालन से और मतलब कि पशुपालन से संबंधित है, इन सभी से संबंधित होने के कारण क्या कहा जाता है, इन्हें प्राथमिक क्षेत्रों को कृषि तथा अन्य सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्रों के अन्य क्या नाम है, कृषि एवं अन्य सहायक क्षेत्र, यानी कि इसमें मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित सभी काम आ जाते हैं। कृषि के सभी फसलों का उत्पादन होता है वो, और विभिन्न जो पशुपालन किया जाता है वो सब किसमें आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, यानी कि कृषि से संबंधित ये क्षेत्र है। अब जो दूसरा क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र, अब द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत क्या किया जाता है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या किया जाता है, जो प्राकृतिक उत्पाद होते हैं, पहले क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में तो प्राकृतिक उत्पादों के द्वारा वस्तु का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जो द्वितीय क्षेत्र होता है इसमें प्राकृतिक द्वितीय क्षेत्र में क्या किया जाता है कि इसकी इस गतिविधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए क्या किया जाता है, अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। और यहाँ वस्तु सीधे क्या, प्रकृति से नहीं मिलती, इसको क्या किया जाता है, इसमें वस्तुएं जो होती है द्वितीय क्षेत्र में, वस्तुएं सीधे प्रकृति से नहीं मिलती, इसमें वस्तुओं को निर्मित किया जाता है, यानी कि वस्तुओं को बनाया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या किया जाता है, वस्तुओं को बनाया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में तो वस्तुएं प्राकृतिक से संबंधित होती हैं, प्राकृतिक उत्पाद होती हैं, द्वितीय क्षेत्र में उन प्राकृतिक उत्पादों को क्या किया जाता है, विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा निर्मित किया जाता है, उसे अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, बनाया जाता है। और उन्हें कहां से बनाया जाता है, द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं को कहां बनाया जाता है, कारखानों में बनाया जाता है या घरों में ही, कारखानों या घरों में क्या किया जाता है, उन वस्तुओं को परिवर्तित करके, उनका रूप परिवर्तित करके दूसरे वस्तु के रूप में निर्मित कर लिया जाता है। किसमें, द्वितीय क्षेत्र में क्या किया जाता है, वस्तुओं को निर्मित किया जाता है, यानी कि उनका रूप परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण के द्वारा आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि है कपास, जैसे मान लीजिए हमें प्राथमिक क्षेत्र में कपास के बारे में जानना है कि कपास क्या है, प्राथमिक उत्पाद है। तो कपास का जो रेशा होता है, तो कपास के रेशे से क्या किया जाता है, कपास के रेशे से सूत काटा जाता है या कपड़ा बनाया जाता है। तो कपास के रेशे से सूत काटते हैं या कपड़ा बनाते हैं, तो वही क्या है, कपड़ा या जो सूत है वो क्या है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसका जो उसका कपास का रूप परिवर्तित किया गया मशीनों के द्वारा, कारखानों के द्वारा उसका रूप परिवर्तित किया गया, उसको दूसरे उत्पाद के रूप में बदल दिया गया। तो कपास का जो रेशा या जो कपड़ा हुआ या जो सूत हुआ वो क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। इसी तरह से गन्ना, गन्ना क्या है, प्राकृतिक उत्पाद है। अब उस गन्ने को हम क्या करते हैं, मशीनों के द्वारा परिवर्तित कर देते हैं, मशीनों के द्वारा उसके रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उससे क्या बनाया जाता है, गन्ने से चीनी बनाया जाता है,
और गुड़ बनाया जाता है, तो ये उस प्रकार के द्वितीय क्षेत्र के उत्पाद होते हैं कौन, चीनी या गुड़। इसी प्रकार से मिट्टी, मिट्टी से क्या किया जाता है, मिट्टी से ईंट बनाया जाता है, या मिट्टी से ईंट से क्या बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, यानी कि घरों का निर्माण होता है। तो ये सब कितने आते हैं, ये सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जब वस्तुओं का उत्पादन कारखाना, क्योंकि अब द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, वस्तुओं का जो उत्पादन होता है वो कारखानों के अंतर्गत होता है। प्राथमिक क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन कैसे होता है, प्राथमिक क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन कृषि से संबंधित होता है, कृषि कार्यों के द्वारा होता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन विनिर्माण के द्वारा, कारखानों के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। इसलिए द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहा जाता है, उसी तरह से द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इसमें का तीसरा है तृतीय क्षेत्र। अब जो तृतीय क्षेत्र है वो क्या है, वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की तीसरी कोटि है। क्या है, तृतीय क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त जो आर्थिक गतिविधियां उसकी तीसरी कोटि, यानी कि ये द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र से विकास में मदद करती है, ये दोनों से भिन्न है। तृतीय क्षेत्र क्या है, दोनों से भिन्न है, लेकिन ये क्या करती है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। ये स्वयं में वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, द्वितीय क्षेत्र स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, बल्कि ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती है। जैसे कि कोई भी वस्तु हो गया, चाहे प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा कोई वस्तु उत्पादन हो गया या द्वितीय क्षेत्र के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन हो गया, तो तृतीय क्षेत्र क्या करता है, उस उत्पादन को दुकानों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, परिवहन का प्रयोग किया जाता है, बारिश हो रही है, तो मैंने क्या बताया कि जो तृतीय क्षेत्र के वस्तु है वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि क्या करती है, ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती है। अब देखिए जैसे क्या, जैसे वस्तुओं का उत्पादन हो गया, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, तो उसके लिए ट्रकों या परिवहन की आवश्यकता पड़ती है, या हमें व्यापार या उत्पादन की दृष्टि से यानी कि सामानों को एकत्रित करना है, वस्तुओं को एकत्रित करना है, रहे अगर कोई किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, हम क्या करते हैं, हम टेलीफोन के द्वारा क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि मैंने क्या बताया कि अगर टेलीफोन से कोई बहुत ही आवश्यक हो इन वस्तुओं का एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए, तो परिवहन की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर टेलीफोन के द्वारा भी हम वस्तुओं सहूलियत के आधार से हम क्या करते हैं, टेलीफोन का भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा बैंक से ऋण लिया जाता है, तो ये सब कितने आते हैं, तृतीय श्रेणी में, तृतीय क्षेत्र में आते हैं, यानी कि बैंकिंग हो गया, बैंक से संबंधित काम हो गया, या परिवहन या संचार, ये सब किसमें आते हैं, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए जो तृतीय क्षेत्र है वो उत्पादन काम नहीं करता है, तृतीय क्षेत्र क्या करता है, उत्पादन काम नहीं करता, बल्कि सेवा से संबंधित काम करता है। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, उत्पादन कार्य नहीं होता, सेवा से संबंधित कार्य होता है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को क्या कहता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे इन्हें क्या कहता है, कृषि से संबंधित क्षेत्र, इन्हें उद्योग से संबंधित क्षेत्र कहा जाता है, इसे सेवा से संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। अब जो सेवाएं होती है, जो तृतीय क्षेत्र है यानी कि सेवा क्षेत्र है, वो हर जगह पे उत्पादन कार्यों में मदद नहीं करता, कुछ ऐसे सेवा क्षेत्र है जो उत्पादन कार्यों में मदद या विकास कार्यों में मदद नहीं करते, जैसे बहुत सारे हम लेना है, डॉक्टर लेना है, या मोची लेना है, या अध्यापक लेना है, तो ये सब जो होते हैं ये उत्पादन कार्य में प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन कार्य में मदद नहीं करते हैं। तो ये था तीनों प्रकार के क्षेत्र का, आई होप आपको ये तीनों क्षेत्र के बारे में समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया कि प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें जो कृषि से संबंधित काम होता है, कृषि से संबंधित उत्पादन होता है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसलिए इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, कृषि या सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये जो द्वितीय क्षेत्र है, इसमें उद्योगों से संबंधित काम होता है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये तीसरा क्षेत्र है, इसमें उत्पादन कार्य होता ही नहीं है, इसमें क्या होता है, ये सेवा क्षेत्र होता है, क्योंकि इसमें इन दोनों का ये क्या करता है, तृतीय क्षेत्र दोनों के उत्पादन कार्यों के विकास कार्य में मदद करता है, तो ये सेवा क्षेत्र कहलाता है। तृतीय क्षेत्र क्या कहलाता है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद इन तीनों क्षेत्रों की तुलना के बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों क्षेत्रों की क्या तुलना है, यानी कि कौन सा क्षेत्र किस आधार पे किससे अच्छा है, या कौन सा ज्यादा महत्व रखता है, तीनों क्षेत्रों की तुलना।
तीनों क्षेत्र को तुलना देखिए, प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया या तृतीय क्षेत्र हो गया, अब इनके विविध उत्पादन कार्यों से क्या होता है, काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्य से क्या होता है, काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। अब इनमें से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत अधिक संख्या में जनसंख्या क्या करती है, इनमें बहुत सारे वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है, तो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन तो होता ही है, लेकिन इसके साथ बहुत ज्यादा संख्या में जनसंख्या भी क्या करती है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जैसे तीन क्षेत्र का है ना, अब तीन क्षेत्रों में, तीनों क्षेत्रों में किसमें किसमें कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और हर क्षेत्र में कितने लोग काम करते हैं, इसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। तो देखिए, जैसे कि अब हमें अगर सबकी गणना करना हो कि क्योंकि हजारों हजारों काम है, हजारों उत्पादन होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक वस्तु या दो वस्तु का उत्पादन होता है, हजारों किस्म के वस्तुओं के उत्पादन होते हैं, तो अब उन उत्पादनों को गिनना बहुत ही मुश्किल है, हजारों उत्पादनों को गिनना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर हम ये सोचें कि उनको गिनना मुश्किल, तो ये सही बात है। मैंने एक उदाहरण, पिछले जो तीनों उत्पादक थे, तीनों क्षेत्र के, उसके बारे में मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको बता दूं। जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र थे, उसमें एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि देखिए, ये उदाहरण है और ये क्या है, प्रदर्शित, जो प्रदर्शित करता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्या है, गन्ना, गन्ना किसान है और गन्ना किसान लोग मीलों को गन्ना देने से मना कर दे, गन्ना किसान है, ये उदाहरण किसका है, गन्ना का, गन्ना किसान है और वो मीलों को गन्ना देना मतलब बंद कर दे, मीलों को गन्ना ना दे, तो मिल कंपनी क्या होगी, बंद हो जाएंगी, मिल कंपनी क्या हो जाएगी, गन्ना मिल जो कंपनी वो बंद हो जाएगी, उनको घाटा होगा। लेकिन तो ये जो उदाहरण है, ये किस कौन सा प्रदर्शित करता है, ये द्वितीय को प्रदर्शित करता है ना, द्वितीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, जो कंपनियां मिल की, सॉरी गन्ना मिल है, वो कौन सा क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र, तो ये द्वितीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता कर रहा है, जो किस पर निर्भर है, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, यानी कि जो मिल है, गन्ना मिल, वो द्वितीय क्षेत्र है, औद्योगिक से संबंधित क्षेत्र है ना, इसलिए द्वितीय क्षेत्र है, वो किस पर निर्भर करता है, प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि गन्ना पर निर्भर कर रहा है। इसी तरह से अब मैं कपास की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि कपास का, जो कपास होता है, अब कपास को जो लोग होते हैं, क्या कहते हैं कि व्यापारी लोग लेना बंद कर दें, कपास को लेना बंद कर दें, कपास को न लें, तो कपास को लेना बंद कर दें, कपास को खरीदना बंद कर दें, उसको दूसरे देश से आयात करने लगे, दूसरे देश से खरीदने लगे, तो यहाँ के किसानों को क्या होगा, यहाँ के किसानों को हानि होगी, इन किसानों को क्या होगा, हानि होगा, इनकी आय घट जाएगी और हो सकता है कि इन्हें ये दिवालिया हो जाए, क्योंकि इन्होंने काफी अधिक मात्रा में कपास लगाया, इससे काफी पैसा खर्च किया, और अगर इसे खरीदने से कंपनियां, जो व्यापारी खरीदने से इनकार करते, तो कपास का क्या होगा, कपास के किसानों का क्या होगा, दिवालिया हो जाएंगे और इन्हें तुरंत दूसरे फसलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो अब जो कपास की खेती, यानी किसान है, कपास की खेती है, कौन सी खेती किस क्षेत्र में आएगी, प्राथमिक क्षेत्र में आएगी, कपास की खेती किस क्षेत्र में आएगी, प्राथमिक क्षेत्र में आएगी, और ये किस पर निर्भर करेगी, कपास की खेती किस पर निर्भर की, किसान क्या कहते हैं, व्यापारियों पे निर्भर की ना, यानी कि कारखानों पे निर्भर की, मिलों पे निर्भर की, कंपनियों पे निर्भर की, यानी कि ये द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर की, किस क्षेत्र पे निर्भर है, द्वितीय क्षेत्र पे। इसका मतलब मैंने ये उदाहरण क्यों दिया, इसका उदाहरण देने का मतलब ये है कि प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र पे निर्भर होता है, यहाँ तक कि द्वितीय क्षेत्र भी प्राथमिक क्षेत्र पे निर्भर हो सकता है, और ये दोनों क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के भी निर्भर होते हैं, क्योंकि हम अगर वस्तुओं का उत्पादन कर ही लें, लेकिन उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर न पहुंचा पाए, तो उस उत्पादन का कोई लाभ नहीं हो पाएगा। तो इन वस्तुओं का प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन होता है, और सेवा काम किसके द्वारा होता है, तृतीय क्षेत्र में। तो ये था उदाहरण। अब आए तीनों क्षेत्रों की तुलना में, तो मैंने क्या कहा कि हजारों किस्म की वस्तुओं का उत्पादन होता है, सभी को गिनना
आवश्यक मतलब मुमकिन नहीं है, सभी को एक साथ गिना नहीं जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है कि सभी वस्तुओं को गिनने के स्थान पर जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं, जो उपभोग सॉरी जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं या जो बेची गई वस्तु होती हैं, उनको बेचने के स्थान पर क्या करना चाहिए, उनके मूल्यों का योगफल ज्ञात करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उन वस्तुओं के मूल्यों का योगफल। वस्तुएं हैं जितनी किस्म की वस्तुएं हैं उनकी संख्या को न गिनने के स्थान पर क्या किया जाए, उन वस्तुओं के मूल्यों का योगफल। जैसे कि उदाहरण के पद मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई वस्तु गेहूं है और वो 10 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से 100 किलोग्राम बेच रहे हैं तो कितना हो गया, 1000 रुपया आएगा। तो हमें इस मूल्य को ज्ञात करना है, अर्थशास्त्री के अनुसार हमें इस मूल्य को ज्ञात करना है, न कि इस किग्रा को। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई सामान है, कोई वस्तु है, जैसे कि कोई कपड़ा ही है, कोई टी शर्ट है और एक टी शर्ट का दाम 50 रुपया है, तो 100 टी शर्ट का दाम कितना हो गया, 100 टी शर्ट का दाम कितना हो गया, 5000 हो गया ना। तो हमें इस मूल्य को देखना है, इसको देखना है, इस मूल्य को देखना है, इन वस्तुओं की संख्या को नहीं देखना है। तो ये किसके अनुसार था, ये अर्थशास्त्रियों के अनुसार कहा गया था। तो इसमें क्या किया जाता है, तीनों क्षेत्रों की मूल्यों की गणना की जाती है। जो अर्थशास्त्री के अनुसार क्या किया जाता है, जो इन संख्याओं के स्थान पे, इन वस्तुओं के संख्याओं के स्थान पे क्या किया जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं से जो मूल्य प्राप्त होता है उसकी गणना की जाती है। अब देखिए जैसे कि अब कुछ समस्याएं इसमें भी आती हैं। अब इसमें समस्याएं क्या आती हैं कि देखिए इसमें सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इसमें क्या होती है, सावधानी बरतने की जरूरत होती है कि उत्पादित तथा बेची गई वस्तुओं की गणना तो की जाने की जरूरत नहीं होती है। जो वस्तुओं का उत्पादन किया गया है, जैसे कि कपास से कपड़ा बनाया गया या कुछ भी किया गया, तो जो उत्पादित वस्तुओं की जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं और उसके साथ साथ जो उसका उसको उसको बेचा गया होता है, यानी कि उत्पादित वस्तुएं और बेची गई वस्तुओं की गणना करने की जरूरत नहीं होती है। क्या करने की जरूरत होती है, केवल अंतिम वस्तु तथा सेवा की गणना की जाती है। क्या की जाती है, केवल अंतिम वस्तु और सेवा की गणना ही की जाती है। जैसे कि एक और उदाहरण देखिए, उत्पादित जो वस्तु जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और जिन वस्तुओं को बेचा जाता है उनकी गणना नहीं की जाती, बल्कि अंतिम वस्तु की, अंतिम उत्पादित वस्तु, अंतिम बेची गई वस्तु की गणना की जाती है। जैसे कि एक मान लीजिए आप 1 किलो गेहूं बेचे 10 रुपए में या 8 रुपए में, 8 रुपए में आपने क्या किया, एक किग्रा गेहूं बेचा और किसको बेचा, आटे मिल को बेचा, आटे मिल ने उसको क्या किया, आटे के रूप में बदल दिया, गेहूं को आटे के रूप में बदल दिया और उसने 10 रुपए के हिसाब से किसको बेच दिया, उसने 10 रुपए के हिसाब से बिस्कुट कंपनी को बेच दिया। किसको बेच दिया, बिस्कुट कंपनी को। मैंने क्या बताया कि मान लीजिए आपने 8 रुपए का गेहूं बेचा, 1 किलो गेहूं 8 रुपए का बेचा, किसको, आटे की मिल को, और आटे की मिल ने उसे आटे ने परिवर्तित करके बिस्कुट कंपनी को किसने बेच दिया, 10 रुपए में बेच दिया। अब बिस्कुट कंपनी ने क्या किया, बिस्कुट कंपनी ने उसमें तेल तेल का और चीनी का उपयोग करते हुए उससे बिस्कुट बनाया, कितना, 4 पैकेट बिस्कुट बना दिया, 4 पैकेट बिस्कुट बना दिया। अब 4 पैकेट बिस्कुट बनाया और हर पैकेट को 15 के हिसाब से कितने में बेच दिया, 60 रुपए में बेच दिया, कितने में बेचा, 60। तो ये जो बिस्कुट है ये क्या है, अंतिम उत्पाद है, बिस्कुट ही क्या है, अंतिम उत्पाद है, न कि ये जो आटा हो गया या गेहूं हो गया, तो मध्यवर्ती वस्तु है ना, ये अंतिम उत्पाद कौन है, बिस्कुट अंतिम उत्पाद है। तो हमें अंतिम वस्तु की गणना करनी होती है, अंतिम वस्तु के मूल्य की गणना करनी होती है, न कि मध्यवर्ती या प्रारंभिक वस्तुओं की गणना करनी नहीं होती है। जैसे कि अब इसकी अंतिम वस्तु की गणना क्यों की जाती है, हमें ये जानने की जरूरत है कि क्यों गेहूं की मूल्य, गेहूं का मूल्य उसमें नहीं जोड़ा गया अलग से या आटे का नहीं जोड़ा गया, ठीक है, अंतिम वस्तु का मूल्य जोड़ा गया। देखिए अब इस अंतिम वस्तु में क्या होता है कि जो मध्यवर्ती वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु क्या है, गेहूं और आटा जो होते हैं ये अंतिम वस्तु के निर्माण में सहायता करते हैं,
गेहूं और आटा जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं वे क्या करते हैं, अंतिम वस्तु, बिस्कुट अंतिम वस्तु है, इसके निर्माण में, इसके उत्पादन में सहायता करते हैं। अब उसमें अब क्या होता है कि बिस्कुट में जो बिस्कुट है उसमें आटे का मूल्य पहले से ही जुड़ा हुआ है। बिस्कुट में क्या है, ये जो 60 रुपए का है बिस्कुट, इसमें 10 रुपए आटे का मूल्य पहले से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसकी गणना करते समय सिर्फ अंतिम उत्पाद के मूल्यों की गणना करेंगे। कब करेंगे, अंतिम उत्पाद कौन है, बिस्कुट, तो सिर्फ हम बिस्कुट के मूल्य की गणना करेंगे। हम गेहूं के मूल्य की गणना या आटे के मूल्य की गणना अलग से नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 60 रुपए हमें प्राप्त हुआ, मतलब कि बिस्कुट का जो दाम है 60 रुपया, इसमें पहले से ही आटे का मूल्य जुड़ा हुआ है। गेहूं में आटे का मूल्य, मतलब कि आटे में गेहूं का मूल्य पहले से ही जुड़ा हुआ था, अब इस आटे के मूल्य में ये 60 रुपए यानी कि बिस्कुट के मूल्य में आटे का मूल्य पहले से जुड़ा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि बिस्कुट का मूल्य भी जोड़ेंगे अलग से, आटे का मूल्य भी जोड़ेंगे अलग से, ऐसा नहीं करेंगे। ये पहले से ही 60 रुपए में सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, अंतिम उत्पाद के मूल्यों की गणना करते हैं। तो क्या करते हैं, अंतिम उत्पाद जो होता है उसके मूल्यों की गणना करते हैं, प्रारंभिक या मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य की गणना नहीं करते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि जब भी हम गणना करते हैं, अर्थशास्त्री के अनुसार क्या किया जाता है, अर्थशास्त्री के अनुसार जब हम हजारों संख्या, हजारों वस्तुओं की गणना नहीं करते बल्कि उनके मूल्यों की गणना करते हैं, उनके मूल्यों का योग की गणना करते हैं, इसके साथ साथ वस्तुओं का जो उत्पादन होता है या बेची गई वस्तुएं होती हैं उनकी गणना नहीं बल्कि अंतिम लास्ट जो उत्पाद होता है उसकी गणना की जाती है। अब उस गणने में उसमें सभी वस्तुओं के मूल्य पहले से इसमें जुटे हुए होते हैं, अलग से अन्य वस्तुओं जो मध्यवर्ती वस्तुएं या प्रारंभिक वस्तुएं हैं उनके मूल्यों को नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि उनके मूल्य इनडायरेक्टली इसमें जुड़े होते हैं। अब देखिए, किसी विशेष वर्ष में, देखिए किसी भी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, किसी भी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रकों के द्वारा उत्पादित वस्तुएं होती हैं, उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, उसके मूल्य को उस वर्ष के क्षेत्र के कुल उत्पादन में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उससे जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि इन्हीं तीनों के उत्पाद होते हैं, तीनों क्षेत्रों के उत्पाद को क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। जो तीनों क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक, उन तीनों क्षेत्रों के जो मूल्य हैं उनका योगफल, उनके मूल्यों का योगफल क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब ये सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है कि तीनों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जो भी आय होता है, जो भी मूल्य प्राप्त होता है उनको जोड़ दिया जाता है और ये इससे क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। अब ये तीनों क्षेत्रों का ये उत्पाद होता है यानी कि उसका योगफल होता है। देखिए उसी से क्या किया था, जीडीपी, जो भारत की जीडीपी है उसका अनुमान लगाया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा क्या किया था, जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। अब भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद को मापने का तरीका है वो कैसा है, बहुत ही कठिन है, और ये किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जो सकल घरेलू उत्पादन का माप किया था, मापन किया था कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है या घट रहा है, या इस हिसाब से देश का विकास हो रहा है या देश पीछे जा रहा है, इसके निर्भर करता है। तो उसके मापने का कार्य बहुत ही कठिन है, जो किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और यह मंत्रालय क्या करता है, यह मंत्रालय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित क्या करता है, डाटा इकट्ठा करता है। ये जो मंत्रालय होता है, केंद्र मंत्रालय जो होता है, जो केंद्र का मंत्रालय जो सकल घरेलू उत्पादन गणना करता है, माफ करता है, ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रालयों से विभिन्न आंकड़े, डाटा क्या करता है, एकत्रित करता है, और फिर क्या करता है, उसकी सहायता से वस्तुओं और सेवाओं के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कुल मूल्यों को क्या करता है, संबंधित सूचना देता है, कुल मूल्यों की संबंधित सूचना देता है। राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी ये क्या कहते हैं मंत्रालय, उनसे डाटा इकट्ठा करता है केंद्र सरकार का मंत्रालय, और फिर वो उससे संबंधित पूरा आंकड़ा उस मंत्रालय को क्या करता है, सौंपता है, तब जाके जो जीडीपी है देश की वो अनुमान उसका लगाया जाता है। तो ये सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होगा कि जो तीनों क्षेत्रक हैं उसका जो आय प्राप्त होता है, उसका मूल्य होता है, उस पूरे मूल्य का जो योग होता है उसी को क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा ज्यादा है। अब अगला इसमें का आज का लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, क्षेत्रकों के ऐतिहासिक परिवर्तन।
क्षेत्रकों के ऐतिहासिक परिवर्तन, क्षेत्रकों के ऐतिहासिक परिवर्तन। देखिए जब हम किसी भी विकसित देश के बारे में हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि विकसित देश ने विकास कैसे किया, तो हम क्या पाएंगे, हम पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे कि उन विकसित देशों की जो प्रारंभिक अवस्था थी विकास करने की, वो क्या थी? प्राथमिक क्षेत्र। किसी भी विकसित देश ने जब विकास का मार्ग अपनाया, विकास किया, उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या थी? प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि कृषि कार्यों के द्वारा इन्होंने शुरू में क्या किया? विकास किया। कृषि में बदलाव आते गए, जब कृषि में बदलाव आया तो कृषि में बदलाव आने के साथ साथ विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया गया, उससे उत्पादन बढ़ा। उत्पादन जब बढ़ा उन देशों की तो आय भी बढ़ी। अब जब आय बढ़ी तो उन्होंने विभिन्न दूसरे कामों में काम करना शुरू कर दिया, कृषि के अलावा अन्य दूसरे काम भी करने लगे, जैसे शिल्पियों का विकास हुआ, अन्य छोटे छोटे शिल्पियों का, व्यापारियों का विकास हुआ। अब जब व्यापारियों का विकास हुआ, व्यापारियों की संख्या बढ़ने लगी, तो उन वस्तुओं जो कृषि से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, उनको उनकी मांग तेजी से बढ़ने लगी, यानी कि व्यापारी उन वस्तुओं को तेजी से खरीदने लगे, तो इससे कृषि का विकास और तेजी से होने लगा। और इसके साथ साथ तो कृषि का विकास तो हुआ, लेकिन और शिल्पियों का भी विकास हुआ, और इसके साथ साथ व्यापारियों का भी क्षेत्रफल बढ़ा, यानी कि व्यापारियों की संख्या बढ़ी। लेकिन मुख्य रूप से जो रोजगार दिया जाता था, रोजगार अभी भी मिल रहा था, वो सबसे अधिक किसमें मिल रहा था? कृषि क्षेत्र में। यानी कि रोजगार जो सबसे अधिक मिल रहा था अभी भी कृषि क्षेत्र में ही मिल रहा था। अगले कुछ वर्षों में क्या हुआ? धीरे धीरे कृषि का विस्तार होने के साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ, अगले कुछ वर्षों में 100-200 वर्षों के बाद क्या हुआ कि कारखानों की स्थापना हुई, कारखाने आए। और जैसे ही कारखाने आए, कारखानों की स्थापना, जो लोग कृषि कार्य के अलावा कारखानों में भी काम करने लगे, और कारखानों में अब उन्हें जबरदस्ती काम करवाया जाता था। आपने इतिहास पढ़ा होगा, भारतीय इतिहास ही पढ़ा होगा, कि किस तरह से अंग्रेज क्या करते थे, भारतीयों को जबरदस्ती कारखानों में काम करने के लिए बाध्य करते थे। औपनिवेशिक शासन काल में ऐसा होता था, तो उन्हें जबरदस्ती क्या किया गया, कारखानों में काम करने के लिए बाध्य किया गया। अब कारखानों में वस्तुएं सस्ती होती थी, कारखानों में जो वस्तुएं बनती थी, हाथ से जो वस्तुएं बनती थी महंगी होती थी, कारखानों से जो वस्तुएं बनती थी वे सस्ती होती थी। तो अब उनकी मांग बढ़ने लगी और कारखानों में ज्यादा ज्यादा टाइम तक काम होने लगा, यानी कि देर जो 8 घंटे का काम था उससे 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे तक भी काम होने लगे, इससे वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगा। और अब जो क्या कहते हैं महत्वता थी, वो प्राथमिक क्षेत्र के अलावा किस पे आ गई? द्वितीय क्षेत्र में, यानी कि अब द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। प्राथमिक क्षेत्र से क्या, द्वितीय क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा काम होने लगा, ज्यादा संख्या में लोग काम करने लगे, ज्यादा उत्पादन होने लगा, तो द्वितीय क्षेत्र इससे प्राथमिक क्षेत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। फिर जब वस्तुओं का, कारखानों में वस्तुओं का ज्यादा जब उत्पादन होने लगा, भारी संख्या में उत्पादन होने लगा, तो अब उन वस्तुओं को की मांग भी बढ़ने लगी। जब मांग बढ़ने लगी तो उन वस्तुओं को जहां की उसकी मांग थी वहां पे पहुंचाने के लिए सेवाओं का क्या आवश्यकता पड़ी, उन वस्तुओं को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाए, तो उन सेवाओं के लिए परिवहन का विकास हुआ, संचार का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये सभी जो द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र पूर्ण रूप से तृतीय क्षेत्र पे निर्भर होने लगे, क्योंकि वस्तुओं को एक स्थान से पहुंचाने के लिए दूसरे स्थान पे, बाजार में पहुंचाने के लिए, व्यापार के लिए या भंडारण करने के लिए तृतीय इन क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्र की जरूरत पड़ी। धीरे धीरे क्या हुआ, अब तृतीय क्षेत्र आने वाले कुछ वर्षों में 100-200 वर्षों में क्या हुआ कि तृतीय क्षेत्र पहले नंबर पे आ गया, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से ज्यादा महत्व किसका हो गया, तृतीय क्षेत्र का, जो परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा से संबंधित ये सब काम होते हैं तृतीय क्षेत्र में देखे जाते हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और आज भी इस समय भी, या तो हम विकसित देशों की बात कर रहे हैं या विकासशील देशों की बात कर रहे हैं, आज भी जो है तृतीय क्षेत्र ज्यादा महत्व बनाए हुए है। तो इन क्षेत्रों का धीरे धीरे क्या होता रहा है, विकास होता रहा है। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र का महत्व ज्यादा था, उसका विकास हुआ, उसके पश्चात आने वाले कुछ वर्षों में द्वितीय क्षेत्र का विकास हुआ, उसका ज्यादा महत्व हो गया, आने वाले कुछ वर्षों में तृतीय क्षेत्र का विकास हो गया, तो इस समय भी तृतीय क्षेत्र क्या है, इन दोनों से ज्यादा महत्व रखे हुए है। तो अगले वीडियो में हम उस तृतीय, ये तीनों क्षेत्रों के द्वारा कितना देश का जो अर्थव्यवस्था का
अर्थव्यवस्था में इन तीनों क्षेत्रों का कितना इसका योगदान है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो तीनों क्षेत्रक हैं कौन सा क्षेत्र ज्यादा रोजगार दिए हुए है, कौन सा क्षेत्र ज्यादा रोजगार नहीं दिए हुए है, मतलब कम रोजगार दिए हुए, किसका जीडीपी में ज्यादा योगदान है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।